आज हम पढ़ रहे हैं एकेंथेसी फैमिली। एकेंथेसी फैमिली को बारलेरिया फैमिली भी कहा जाता है, या फिर इसे वज्रदंती फैमिली भी कहते हैं। इस फैमिली का नाम एक ग्रीक वर्ड से रखा गया है जिसे बोलते हैं एकेंथस। एकेंथस का मतलब होता है स्पाइन या फिर कांटे। तो इसी के आधार पर इस फैमिली का नाम एकेंथेसी रखा गया है। इस फैमिली के अंदर जितने प्लांट आते हैं वो अधिकतर ट्रॉपिकल रीजन के अंदर पाए जाते हैं। अब इस फैमिली की हम सिस्टमैटिक पोजीशन देखें बैंथम और हुकर के आधार पर, तो यहाँ पर जो डिवीजन होगा वह एंजियोस्पर्मी होगा, और इसका सब डिवीजन डाइकॉटिलेडनी मतलब सारे जो प्लांट होंगे वो डाइकोट प्लांट इसके अंदर रखे गए हैं। दूसरा, यहाँ पर जो क्लास होगी वो गैमोपेटली होगी। गैमोपेटली का मतलब यहाँ पर जो पुष्प होंगे वह संयुक्त दली होंगे, तो यहाँ पर गैमोपेटली इसकी क्लास होगी या फिर वर्ग, सीरीज या श्रृंखला। बाई कार्पेलिटी मतलब दो कार्पल पाए जाते हैं, द्वि अंडपी होंगे। फिर ऑर्डर पर्सोनेल्स, ठीक है, गण है पर्सोनेल्स। तो यहाँ पर जो पर्सोनेल्स है इसके अंदर उन प्लांट को रखा जाता है जिनके अंदर पुष्प एक व्यास सम्मित हो, उनके सर की संख्या चार या दो होती है, मतलब चार हैं तो पुंकेसर द्विदीर्घी होंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर पुंकेसर दल लग्न भी होते हैं। फैमिली एकेंथेसी, इसके हम देखते हैं गुण कि इसकी फैमिली के विशिष्ट लक्षण क्या हैं। तो विशिष्ट लक्षण, तो यहाँ पर पहला तो ये है कि इसके अंदर तो अधिकतर प्लांट आते हैं वो शाकीय होते हैं या फिर शूप होते हैं, पर यहाँ पर वृक्ष कम देखे जाते हैं। तो पहला कैरेक्टर है कि यहाँ पर अधिकतर प्लांट होंगे वो शाकीय होंगे या फिर शर्ब होंगे, पर यहाँ पर वृक्ष कम देखे जाते हैं। दूसरा कि इसके अंदर जो प्लांट होंगे उनका तना होगा वह चतुष्कोणीय होगा या फिर धारी धार होगा। यहाँ पर जो लीफ होती है वह अपोजिट और डेक्यूसेट होती है, मतलब एक नोड है उसके ऊपर दो लीफ पाई जाएंगी। यहाँ पर एक नोड है तो उसके ऊपर दो लीफ पाई जाती हैं, दोनों एक दूसरे के आमने सामने है, मतलब अपोजिट है, डेक्यूसेट हो गई। डेक्यूसेट का मतलब ये है कि इसके ऊपर और जो नीचे पाई जाने वाली लीफ है वो भी इसके बिल्कुल समकोण पर उपस्थित होती है, तो इसलिए अपोजिट और डेक्यूसेट होती है। यहाँ पर लीफ के अंदर सिस्टोलीथ पाए जाते हैं, तो यहाँ पर लीफ के अंदर सिस्टोलीथ पाए जाते हैं, सिस्टोलीथ पाए जाते हैं। सिस्टोलीथ सिलिसिफाइड बॉडीज होती हैं जो सेलुलोज के साथ सिलिका के डिपोजिशन के कारण बनती हैं, तो वह लीफ के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पर जो पुष्पक्रम होगा वह ससीमाक्षी पुष्पक्रम होगा या फिर स्पाइक पुष्पक्रम भी देखा जाता है, तो यहाँ पर स्पाइक पुष्पक्रम देखा जाता है। इस प्रकार के पुष्पक्रम के अंदर जो मेन एक्सिस है वो लगातार वृद्धि करता है, ठीक है, और इसके ऊपर पुष्प लगते हैं वह अवृत होते हैं, सीधे ही पुष्प अक्ष पर लगते हैं, वृत्त यहाँ पर अनुपस्थित होता है। पुष्प नए पुष्प होते हैं वह ऊपर पाए जाते हैं और पुराने पुष्प होते हैं वो नीचे पाए जाते हैं। इस प्रकार के पुष्प क्रम को स्पाइक कहते हैं। पुष्प पेंटामेरस होता है, मतलब यहाँ पर कैलिक्स और कोरोला इनकी संख्या पांच पांच होती है, तो यहाँ पर पुष्प पेंटामेरस होगा। कैलिक्स की संख्या भी पांच होगी और कोरोला की संख्या भी पांच होगी। अब इसके अंदर जो पुष्प होता है वो एक व्यास सम्मित होता है। एक व्यास सम्मित का मतलब ये है कि किसी एक अक्ष से काटेंगे तो ये समान दो भागों में बटेगा, इसलिए यहाँ पर पुष्प एक व्यास सम्मित होता है। पूर्ण होता है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम चारों पाए जाते हैं, तो पुष्प यहाँ पर पूर्ण होता है। अधोजायांगी होता है, मतलब ओवरी होती है वह सुपीरियर होती है और बाकी सारे फ्लोरल पार्ट नीचे पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर पुष्प अधोजायांगी होता है। अब कैलिक्स की है, तो यहाँ पर कैलिक्स होते हैं वह संख्या में पांच होते हैं। कोरोला, कोरोला के अंदर भी पेटल्स की संख्या पांच होती है और वह द्विओष्ठी होते हैं। द्विओष्ठी का मतलब है कि पेटल्स हैं वो दो ओष्ठ का निर्माण करते हैं, जैसे कि यहाँ पर है दो पेटल्स आपस में जुड़कर एक ओष्ठ का निर्माण कर रहे हैं, बाकी तीन ओष्ठ आपस में जुड़कर दूसरे ओष्ठ का निर्माण कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो पेटल्स होते हैं वह बाइलेबिएट होते हैं या फिर द्विओष्ठी होते हैं। अब इनके अंदर पुंकेसर हैं उनकी संख्या चार होती है, तो वह द्विदीर्घी होंगे, और अब दो होती हैं, ठीक है, या तो चार होगी या फिर दो होगी, और यह
लग्न होंगी, जैसा कि यहाँ पर दिखाई है, दिख रहा है कि यहाँ पर पुंकेसर है वो दल लग्न है, दल से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर पुंकेसर दल लग्न होते हैं, या संख्या में चार या फिर दो होते हैं। जायांग वह द्विअंडपी होता है, संयुक्तांडपी होता है, और बीजांडन्यास होगा वह एक्साइल होगा या फिर स्तंभीय बीजांडन्यास होगा। इस प्रकार के बीजांडन्यास के अंदर जो ओव्यूल होते हैं वो बीच में एक्सिस पर जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर ये बीच का एक्सिस हो गया, इसके ऊपर ओव्यूल जुड़े हुए होते हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर कोष्ठकों का निर्माण होता है, जैसा कि इसके अंदर है दो ओव्यूल है, दो कोष्ठकों का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर जायांग द्विअंडपी होगा, संयुक्तांडपी होगा, और एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, फल कैप्सूल होता है। अब हम जब भी किसी फैमिली की स्टडी करते हैं तो कोई हम एक प्लांट लेते हैं और उस फैमिली उसके सारे कैरेक्टर देखते हैं। तो यहाँ पर हम जो प्लांट ले रहे हैं वो है एडाटोडा ज़िलेनिका। एडाटोडा को हम अडूसा भी कहते हैं या फिर वासा भी कहते हैं, तो इसका जो कॉमन नाम होगा वह अडूसा होगा, अडूसा, या फिर हम इसे वासा भी कहते हैं। तो ये हैं इसके कॉमन नाम अडूसा के। आप सारे कैरेक्टर देखें तो पहला तो ये है कि ये प्लांट है वो सदा हरित रहता है, सारे सीजन के अंदर ये हरा रहता है, तो इसे बोलेंगे सदा हरित। दूसरा ये शर्ब होता है, झाड़ी होता है। अब इस प्लांट के जो रूट सिस्टम होता है वो टेप रूट सिस्टम होगा, क्योंकि डाइकोट है, तो यहाँ पर जो रूट सिस्टम होगा वह है टेप रूट सिस्टम पाया जाता है। यहाँ इसका स्टेम होगा वह ऊर्ध्व होगा, और स्टेम होगा वह आधार पर काष्ठीय होगा क्योंकि शूप है। तो इसका जो स्टेम होगा जहाँ से रूट सिस्टम निकलता है वहाँ आधार पर काष्ठीय होगा, लेकिन ऊपर जहाँ से शाखाएं निकल रही हैं, पत्तियां निकल रही हैं, वहां पर ही हर्बेशियस होगा। तो इसका रूट जो स्टेम होगा आधार पर काष्ठीय होगा और शीर्ष पर यह हर्बेशियस होता है। जहां से शाखाएं निकलती हैं वहां पर ये थोड़ा फुला हुआ होता है। अब इसकी लीफ देखें तो यहाँ पर लीफ होती है वह अपोजिट होती है, डेक्यूसेट होती है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा भी था कि जो लीफ होती है वो अपोजिट होंगी और डेक्यूसेट होंगी, अनुनपर्णी होंगी। अनुनपर्णी का मतलब क्या है कि जो लीफ लगती है तो वहां पर जो पर्णवृत्त होता है उसके पास में दो छोटी लीफ जैसी संरचनाएं पाई जाती है, जिसे बोलते हैं स्टिप्यूल। तो यहाँ पर स्टिप्यूल नहीं पाए जाते, एब्सेंट होते हैं, तो यहाँ पर लीफ होगी वह एक्स स्टिप्यूलेट होगी या फिर अनुन्नपर्णी होगी। तो यहाँ पर पत्तियां हैं वो अनुन्नपर्णी होती है, इनकी शेप होती है वह ओवेट हो जाएंगी या फिर लेंसियोलेट होंगी, अंडाकार होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो पुष्प जो लीफ होती है उनके अंदर सिरा विन्यास एक व्यास, एक सीरीय जालिका व सिरा विन्यास पाया जाता है। यहाँ पर पत्तियों के अंदर जो सिरा विन्यास होगा वह एक सीरीय जालिका व सिरा विन्यास पाया जाता है। अब हम इसके पुष्पक्रम की बात करें तो एडाटोडा के अंदर जो पुष्पक्रम पाया जाता है वो टर्मिनल स्पाइक होता है, अंतस्थ स्पाइक होगा, शीर्ष पर पाया जाता है, और पुष्पक्रम स्पाइक होता है जिसके अंदर हम देख रहे थे कि मेनेक्सिस लगातार वृद्धि करता है, और यहाँ पर नए पुष्प होते हैं वो ऊपर पाए जाते हैं और पुराने पुष्प नीचे पाए जाते हैं। अब पुष्प होंगे वो कैसे होते हैं, सेजाइल होते हैं या अवृंत होते हैं, सीधे ही मेन एक्सिस पर लगते हैं, तो इस प्रकार का पुष्पक्रम स्पाइक कहलाता है। इसके अंदर जो पुष्प होंगे वो पेंटामेरस होंगे, पेंटामेरस मतलब कैलिक्स और कोरोला, वो पांच पांच होते हैं, तो पुष्प पेंटामेरस होते हैं, और पुष्प एक व्यास समित होंगे, किसी एक एक्सिस से ही समान दो भागों में इनको बांटा जा सकता है। दो जायांगी मतलब यहाँ पर ओवरी सुपीरियर होगी, बाकी सारे फ्लोरल पार्ट नीचे पाए जाएंगे, तो यहाँ पर पुष्प होगा वह अधोजायांगी होगा। सहपत्री होगा, ब्रैकेट होगा, मतलब सहपत्र यहाँ पर पाए जाते हैं, ब्रैक्टियोलेट सहपत्रिकाएं भी पाई जाती हैं। तो ये तो पुष्प के बारे में था, अब इसके कैलिक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर कैलिक्स, कैलिक्स यानी कि बाह्य दल, तो बाह्य दल के अंदर पांच सेपल पाए जाते हैं, एक दो तीन चार और पांच, तो यहाँ पर सेपल्स हैं वो पांच होंगे, संयुक्त होंगे, सारे के सारे आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये होंगे संयुक्त। अब आते हैं कोरोला, कोरोला के अंदर पेटल्स की संख्या भी पांच होती है, जैसा कि दिख रहा है तीन पेटल्स इधर है दो इधर है, तो यहाँ पर कोरोला के अंदर पेटल्स की संख्या भी पांच होती है, ठीक है।
द्विओस्टी होते हैं, बाई लिब्रेट होंगे। बाई लिब्रेट इसका मतलब दो ओस्ट का निर्माण करेंगे, जैसा कि यहाँ पर दो पेटल्स आपस में जुड़कर एक एक ओस्ट का निर्माण कर रहे हैं और तीन आपस में जुड़कर दूसरे ओस्ट का निर्माण कर रहे हैं, तो इनका जो अरेंजमेंट है वह 2/3 का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोरोला होते हैं वह 2/3 के अरेंजमेंट में पाए जाते हैं। पुंके सर दो होते हैं, दो पुंके सर पाए जाते हैं, दल लग्न होते हैं, दल से जुड़े हुए होते हैं, और यहाँ पर जो पुंकेसर होंगे वह आधार लग्नी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पुंकेसर आधार लग्नी होते हैं। अब यह जो जायांग होगा वह द्विअंडपी होगा, संयुक्तांडपी होगा, दो जो अंडप है आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और द्विकोष्ठी होगा, यहाँ पर दो कोष्ठकों का निर्माण हो रहा है। प्लेसेंटेशन एक्साइल प्लेसेंटेशन होगा, तो यहाँ पर जायांग द्विअंडपी संयुक्तांडपी होगा, प्लेसेंटेशन एक्साइल होगा। इसके अंदर जो फल होगा वह कैप्सूल होगा, तो यहाँ पर हमने एडा टोडा के सारे कैरेक्टर देखे हैं। अब इसका फ्लोरल फॉर्मूला देखते हैं, तो सबसे पहले ब्रेक्टियट मतलब इसके अंदर सहपत्र पाया जा रहा है, दूसरा ब्रेक्टियोलेट मतलब सहपत्रिकाएं हैं, तो यहाँ पर सहपत्रिकाएं भी पाई जा रही है। फिर बाइसेक्सुअल है, यहाँ पर पुंकेसर और जायंग दोनों पाए जा रहे हैं, तो ये हो गया बाइसेक्सुअल। फिर कैलिक्स 5 है, संयुक्त दलीय इसलिए हमने संयुक्त है इसलिए हमने इसको कोष्ठक में लिखा है। फिर कोरोला 2/3 के अरेंजमेंट में, एंडोशियम 2 है और गाइनोशियम भी कैसे हैं 2 है, और ये कैसे हैं संयुक्त है, तो हमने इसको कोष्ठक में लिख दिया। नीचे लाइन खींचने का मतलब है कि पुष्प है वो अधोजायांगी है या फिर ओवरी है वो सुपीरियर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसके जायांग की बात करें तो इसके अंदर जो स्टिग्मा होता है वो कैपिटेट होता है और जो स्टाइल होती है वो थोड़ा लंबा होता है। एक जायांग की बात करें तो उसमें तीन पार्ट पाए जाते हैं, ये ओवरी होता है और ये होगा स्टिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टाइल होता है वो लंबा होता है और जो स्टिग्मा होता है वो कैपिटेट होता है, मतलब केप की आकृति का होता है, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है केप की आकृति का होता है, तो ये कैपिटेट होता है। ठीक है, अब हमने देखा है कि एगेंदेसी फैमिली के कैरेक्टर क्या होते हैं और हमने उसका कोई एक प्लांट लेकर उसके सारे कैरेक्टर देखे भी हैं। इसके अंदर औषधीय प्लांट भी आते हैं और शोभाकारी प्लांट भी आते हैं। औषधीय मतलब मेडिसिनल प्लांट है, तो इनका मेडिसिनल यूज भी होता है, जैसे कि जो एडाटोडा जिलेनिका है इसका उपयोग होता है वह खांसी और दमा के उपचार में किया जाता है। दूसरा यहाँ पर जो बार्लेरिया क्रिस्टाटा है उसका उपयोग भी खांसी के उपचार में किया जाता है। बार्लेरिया प्रियोनाइटिस है वह उपयोग उसका उपयोग खांसी के उपचार में, दमा के उपचार में भी किया जाता है और इसका दातुन की तरह यूज भी किया जाता है। ऐसा आपने सुना भी होगा, जैसे कि वीको वज्रदंती मतलब जो वज्रदंती है वो पेस्ट बनाने में, टूथपेस्ट होते हैं उनके बनाने में काम में लिया जाता है, तो यहाँ पर जो वज्रदंती है वह दांतों के लिए सही होता है, तो इसलिए इसको दातुन की तरह काम में लिया जाता है। अब कुछ प्लांट हैं वो ऑर्नामेंटल होते हैं, शोभाकारी प्लांट की तरह इनको यूज में लिया जाता है, जैसे कि जस्टिशिया है, थनबर्जिया है, तो ये गार्डन के अंदर लगाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने एकेंथेसी फैमिली के कैरेक्टर देख लिए, इसकी स्टडी कर ली और इसके हमने आर्थिक महत्व भी देखे हैं। आज हम लेमिएसी या फिर लेमिएटी फैमिली पढ़ेंगे। लेमिएसी फैमिली को तुलसी कुल भी कहा जाता है या फिर इसे मिंट फैमिली भी कहते हैं, क्योंकि इस फैमिली के तुलसी और पुदीना दोनों ही मेंबर हैं। इसी आधार पर इस फैमिली को मिंट फैमिली भी कहते हैं या फिर इसे हम तुलसी फैमिली भी कहते हैं। इस फैमिली का नाम एक ग्रीक वर्ड से हुआ है जिसे जो है लेबियम का अर्थ होता है ओस्ट, यानी कि यहाँ पर जो दल पुंज होते हैं, जो दल होते हैं वह ओस्ट रूपी होते हैं। इसी आधार पर इस फैमिली को लेबियेसी फैमिली कहते हैं। अब इसके सिस्टमैटिक पोजीशन देखें तो बैंथम और हुकर के द्वारा दी गई, तो डिवीजन होगा वो एंजियोस्पर्मी होगा। ठीक है, सब डिवीजन डाइकोटिलेडनी, क्लास गैमोपेरकी, यहाँ पर जो पुष्प होंगे वह संयुक्त दली होंगी, सीरीज या फिर श्रृंखला,
बाइकार्पेलिटी मतलब द्विअंडपी होंगे, ऑर्डर या गण लेमियल्स, जो लेमियल्स हैं इसके अंदर जो पुष्प होगा वो एक व्यास समित होगा, और यहाँ पर जो स्टाइल होगी जो वर्तिका होगी वह गाइनोबेसिक होगी या जायांग नाभिक होगी, मतलब यहाँ पर जो स्टाइल होती है वो ओवरी के बिल्कुल आधार तक जाती है, तो इसलिए इसे जायांग नाभिक कहते हैं या फिर गाइनोबेसिक है। इसके अंदर पुंकेसर की संख्या चार होती है तो वह द्विदीर्घी होते हैं या फिर दो होती है। फैमिली, अब इस फैमिली के हम विशिष्ट लक्षण देखते हैं कि विशिष्ट लक्षण कौन कौन से हैं। पहला तो ये कि इस फैमिली के अंदर जो प्लांट आते हैं वो या तो शाकीय प्लांट होते हैं या फिर शूप होते हैं, पर यहाँ पर वृक्ष कम देखे जाते हैं। दूसरा, इस फैमिली के अंदर जो प्लांट आते हैं उनके अंदर वाष्पशील सुगंधित तेल पाया जाता है। इन फैमिली के अंदर जितने भी पुष्प जो प्लांट आते हैं उनके प्लांट पार्ट के अंदर सुगंधित तेल पाया जाता है, इसीलिए इस फैमिली के प्लांट को खाने के काम में लिया जाता है। ठीक है, इनसे सुगंधित मतलब इत्र भी प्राप्त किया जाता है, इनका औषधीय महत्व भी होता है। फिर यहाँ पर जो स्टेम होता है वह चतुष्कोणीय होता है, उनके ऊपर रोम पाया जाता है। लीफ होगी वह अपोजिट होगी, डेक्यूसेट होगी, ठीक है, सम्मुख और क्रॉसित होंगी। पुष्पक्रम होगा वह वर्टिसिलेस्टर होगा या कूट चक्रक, वर्टिसिलेस्टर या फिर कूट चक्रक जो पुष्पक्रम होता है वह लेमेसी कुल का एक विशिष्ट पुष्पक्रम होता है। यहाँ पर पुष्प पेंटामेरस होते हैं, कैलिक्स और कोरोला संख्या में पांच पांच होते हैं। फिर इसके अंदर पुष्प एक व्यास समित होगा, मतलब इसको किसी एक अक्ष से काटे तो ये समान दो भागों में बट जाता है, तो ये पुष्प होगा वह एक व्यास समित होता है। अधोजायांगी होता है, ओवरी सुपीरियर पाई जाती है, बाकी सारे फ्लोरल पार्ट नीचे से निकलते हैं। इस प्रकार के पुष्प को बोलते हैं अधोजायांगी या हाइपोगाइनस, तो यहाँ पर पुष्प होगा वो हाइपोगाइनस होता है। इसके अंदर जो पुष्प होता है वह सहपत्री होता है। अब जो कैलिक्स और कोरोला दोनों ही द्विओष्ठी होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कैलिक्स और कोरोला द्विओष्ठी होते हैं। पुंकेसर संख्या में चार हैं तो द्विदीर्घी होंगे या फिर दो होते हैं, साथ ही साथ ये दल लग्न होते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिख भी रहा है कि पुंकेसर दल से जुड़े हुए हैं तो पुंकेसर दल लग्न होते हैं। जायांग द्विअंडपी होती है, संयुक्तांडपी होती है, और यहाँ पर जो प्लेसेंटेशन होता है वो एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर फल होगा वो एकिन होगा या साइजोकार्पिक होगा, इस प्रकार का फल होता है उसका। इसके अंदर मतलब बहुत सारे फल होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं, और प्रत्येक फल के अंदर एक एक सीड पाया जाता है। ठीक है, तो साइजोकार्पिक फ्रूट यहाँ पर पाया जाता है। अब हम कोई प्लांट लेते हैं और उसकी स्टडी करते हैं, तो हमने जो प्लांट लिया है वो है ओसिमम बेसिलिकम। ओसिमम बेसिलिकम को श्याम तुलसी भी कहते हैं या फिर इसे मरवा भी कहते हैं, तो ये इसके कॉमन नेम है। ठीक है, ओसिमम बेसिलिकम को मरवा भी कहा जाता है, श्याम तुलसी भी कहते हैं। ये जो प्लांट है ये बहुवर्षीय शाख प्लांट होते हैं और यह शोभाकारी प्लांट भी है, गार्डन में भी लगाए जाते हैं। इसके अंदर जो रूट सिस्टम होगा वो टेप रूट सिस्टम होगा, क्योंकि डाइकोट फैमिली है, मतलब यहाँ पर जो रूट सिस्टम होगा वो टेप रूट सिस्टम पाया जाता है। इसके अंदर जो स्टेम होगा वह चतुष्कोणीय होता है, ठोस होता है, कास्ट होता है, और उसके ऊपर रोम पाए जाते हैं। फिर यहाँ पर जो लीफ होती है वह सम्मुख होती है और क्रॉसित होती है, लीफ के ऊपर भी रोम पाए जाते हैं और उसके अंदर एक सीरीय जालिका व सिरा विन्यास पाया जाता है, यहाँ पर लीफ ओवेट होती है। ओसिमम बेसिलिकम के अंदर जो पुष्प क्रम होगा वो वर्टिसिलेस्टर होगा, क्योंकि इस फैमिली का एक विशिष्ट प्रकार का पुष्प क्रम होता है। तो वर्टिसिलेस्टर पुष्प क्रम में क्या होता है कि जो मेनेंसिस है वह ग्रो करता है, ठीक है, और अगर हम उसका अनुप्रस्थ काट काट के देखें तो वह हमें इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, इसके अंदर दोनों तरफ दो पुष्प निकलते हैं, दो शाखाएं निकलती हैं, और दोनों शाखाओं के ऊपर दो पुष्प लग जाने से इनकी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, अब इसे
दो पार्श्वों में शाखाएं निकलती हैं और दोनों के ऊपर पुष्प लग जाते हैं। ठीक है, तो हम इसे एक नंबर देते हैं और इसे दो दो नंबर देते हैं। ये वाला जो पुष्पक्रम है, ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ये सस्यमाक्षी का है। मतलब यहाँ पर सस्यमाक्षी में क्या होता है कि मेन एक्सिस है, उसके ऊपर पुष्प लग जाने से उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि यहाँ पर ब्रांच है, उसके ऊपर पुष्प लग गया और उसकी ग्रोथ रुक गई। फिर उसके पार्श्व से दो शाखाएं निकलती है, तो यहाँ पर दो शाखाएं निकल रही है मतलब द्विशाखी, बाइपेरस साइम हो गया। ठीक है, तो यहां तक हम देख रहे हैं कि इसके अंदर ये बाइपेरस साइम है। ठीक है, और फिर इसके अंदर जो फ्लावर है उनकी संख्या 6 है। अब ये और ज्यादा शाखित होगा तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से पुष्प निकलेंगे इस तरीके से, यहाँ पर भी फिर से पुष्प निकलेंगे। अब हम इन्हें तीन तीन नंबर दे देंगे। ठीक है, फिर कुछ प्लांट में ये और ज्यादा बड़ा होता है तो फिर हम इन्हें और ज्यादा मतलब नंबर दे सकते हैं, 4। लेकिन जो ओसिमम बेसिलिकम है उसमें या तो पुष्पों की संख्या होती है वो या तो 4 होती है या फिर 6 होती है, मतलब 6 होती है या फिर 10 होती है। तो यहाँ पर या तो इतना ही होता है कि यहाँ पर या तो जो फ्लावर होते हैं उनकी संख्या 10 होगी तो इतना होगा, या फिर 6 होगी तो फिर इतना ही देखा जाता है। तो ये जो पुष्पक्रम है ये क्या है, वर्टिसिलास्टर पुष्पक्रम है। इस पुष्पक्रम के अंदर बाइपेरस साइन वो एक साथी सस्यमाक्ष के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इसके अंदर आप पुष्प को देखें, यहाँ जो पुष्प के कैरेक्टर देखें तो यहाँ पर पहला तो ये है कि पुष्प पूर्ण होते हैं। पूर्ण कैसे होंगे कि यहाँ पर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम चारों पाए जाते हैं, तो पुष्प पूर्ण होंगे। ठीक है, फिर पुष्प एक व्यास समित होंगे, किसी एक अक्ष से काटे तो समान दो भागों में बटेंगे, तो इसलिए पुष्प यह एक व्यास समित होंगे, अधो चायांगी होंगे या हाइपोगाइनस होंगे, मतलब ओवरी सुपीरियर होगी। पुष्प सहपत्री होंगे, सहपत्र पाया जा रहा है, सहपत्रिकाएं भी पाई जाएंगी, तो यहाँ पर सहपत्रिकाएं भी प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर अब कैलिक्स की बात करते हैं, तो कैलिक्स या बाह्य दल जिसे हम, ये क्या है, बाह्य दल है। ठीक है, तो जो कैलिक्स है वो संख्या में 5 हैं और द्विओष्ठी होते हैं, यह 1/4 के अरेंजमेंट में पाए जाते हैं। 1/4 के अरेंजमेंट में मतलब यहाँ पर जो एक सेपल होता है वो बड़ा हो जाता है, बाकी सारे सेपल होते हैं वो, जब 4 सेपल होते हैं वो आपस में जुड़कर दूसरे ओष्ठ का निर्माण करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि एक सेपल है वो बड़ा हो गया है और ये एक ओष्ठ का निर्माण कर रहा है, बाकी 4 आपस में जुड़कर दूसरे ओष्ठ का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर जो कोरोला है यानी कि दल, जो दल पत्र है उनकी संख्या भी 5 होती है और यह भी द्विओष्ठी होते हैं, लेकिन ये 4/1 के अरेंजमेंट में पाए जाते हैं। मतलब इनके अंदर ये जो एंटीरियर वाला जो पेटल होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और जो बाकी पोस्टीरियर वाले होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं और आपस में जुड़कर दूसरे ओष्ठ का निर्माण करते हैं। मतलब पहला ओष्ठ इसने बनाया, बाकी दूसरा ओष्ठ इन 4 ने मिलकर बनाया है, तो यहाँ पर 4/1 के अरेंजमेंट में ये प्रेजेंट होते हैं। एंड्रोशियम, इनकी संख्या 4 होती है और कैसे होंगे, द्विदीर्घी होंगे, मतलब दो छोटे और दो बड़े। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंड्रोशियम है उस, ये कैसे होते हैं, 2+2 के अरेंजमेंट में होते हैं, दो छोटे होते हैं और दो बड़े होते हैं, यह आधार लग्नी होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये द्वि, इनका जो पराग कोश होता है या जो एंथर होता है ये बिल्कुल आधार तक जाती है, ये जो ओवरी है इसके बिल्कुल आधार तक ये जा रही है, तो इससे बोलेंगे गाइनोबेसिक। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टाइल होती है वो कैसी होती है, गाइनोबेसिक। स्टिग्मा बाइफिड होता है, बाइफिड या द्विशाखित है, मतलब दो शाखाओं में विभाजित है, तो यहाँ पर स्टिग्मा होता है वो बाइफिड होता है। तो ये तो सारे कैरेक्टर थे ऑसिमम बेसिलिकम के, या फिर इसे श्याम तुलसी या मरवा कहते हैं।
अब हम इसके फ्लोरल फॉर्मूला देखते हैं। तो फ्लोरल फॉर्मूला अगर इसका लिखें तो सबसे पहले बीआर यानी कि ब्रेक्टिएट है, सहपत्री है, बीआरएल ब्रेक्टियोलेट होगा, सहपत्रिका यहाँ पर पाई जा रही है, फिर यह एक व्यास समित होगा, किसी एक अक्ष से काटेंगे तो समान दो भागों में बढ़ जाएगा, द्विलिंगी होगा, ठीक है, कैलिक्स है वह 1/4 के अरेंजमेंट में पाए जाते हैं, कोरोला यह 4/1 के अरेंजमेंट में पाए जाते हैं, एंड्रोशियम 2+2 के अरेंजमेंट में पाए जाते हैं, गाइनोशियम द्विअंड भी है और अधोजायांगी है। तो ये क्या हो गया इसका फ्लोरल फॉर्मूला, और ये क्या है फ्लोरल डायग्राम, जहां हम देख रहे हैं सहपत्र सहपत्रिकाएं हैं और ये कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो इस तरीके से हमने ब्लेमियसी फैमिली की स्टडी करी है। अब इस फैमिली का हम आर्थिक महत्व देखते हैं, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो इस फैमिली के अंदर अधिकतर जो प्लांट आते हैं उनके अंदर वाष्पशील तेल पाए जाते हैं, तो इसी वजह से ये प्लांट होते हैं वो खाने के काम में लिए जाते हैं। इन प्लांट से जो तेल प्राप्त होता है उससे इत्र भी बनाए जाते हैं, क्योंकि ये सुगंधित होते हैं तो इनसे इत्र भी बनाया जाता है और इनका मेडिसिनल यूज भी किया जाता है। इसके अंदर जो ओसिमम बेसिलिकम है, इस प्लांट को हम मरवा कहते हैं, इसका उपयोग खांसी के उपचार में किया जाता है, बुखार के उपचार में भी किया जाता है। दूसरा ओसिमम केनम, इसका उपयोग पेट दर्द के उपचार में किया जाता है। तो ये औषधीय महत्व रखने वाले प्लांट हैं। जैसे दूसरा है यहाँ पर पुदीना, ठीक है, तो पुदीना है, तो मेंथा पिपरेटा, तो जो मेंथा पिपरेटा है पुदीना, ये जब जी घबराता है तो उसके उपचार में भी इसको काम में लिया जाता है, इससे पिपरमेंट भी प्राप्त होता है, तो साथ ही साथ अमृत धारा का भी एक मुख्य घटक होता है। तो ये सारे के हैं औषधीय महत्व हो गए। इस जो इसके अंदर कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी आते हैं जो गार्डन में लगाए जाते हैं। पहला तो ओसिमम बेसिलिकम ही हो गया, जिसे हम मरवा कहते हैं, ठीक है, लेवेंडुला डेबिसी का एक मेंबर है तो उसको भी लगाया जाता है। तो इस तरीके से इसके अंदर आर्थिक महत्व के प्लांट, इस तरीके से हमने इसका आर्थिक महत्व भी देखा है और इसके बाकी सारे कैरेक्टर की भी स्टडी करी है।